डियर स्टूडेंट्स, हमारे फसलों में हम तिलहनी फसलों पर चर्चा कर रहे थे और तिलहनी फसलों में हमने मूंगफली पढ़ी, अलसी पढ़ी, तिल पढ़ा और आज हम जो फसल लेने वाले हैं रबी की सबसे प्रमुख तिलहनी फसल, रबी की क्या राजस्थान की ही सबसे प्रमुख तिलहनी फसल जो रबी की तो है ही, उस फसल के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान में सरसों का बहुत बड़ा योगदान है। देखा जाए तो जो टोटल सरसों हमारे देश में होती है उसका करीब 40-42% सरसों अकेले राजस्थान में पैदा होती है, इसलिए बहुत महत्व रखती है राजस्थान के लिए सरसों। सरसों जो है हमारे राजस्थान के किसानों की बहुत बड़ी इनकम प्रदान करने वाली एक फसल है, जो कम पानी या बारानी अवस्था में किसानों को अच्छी इनकम प्रदान करती है। सरसों की फसल में क्या क्या समस्याएं आती है, क्या क्या किस किस प्रकार से खेती की जाती है और किस प्रकार से उन्नत खेती की जा सकती है, कौन कौन से कीड़े लगते हैं, कौन सी बीमारियां लगती है, सरसों कितने प्रकार की होती है, एक रेप सीड अलग होती है और मस्टर्ड अलग होती है, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ये रेप सीड क्या है और मस्टर्ड क्या है, और इसका जो नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है जो हमारा NRC नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर रेपसीड एंड मस्टर्ड, वो सेवर भरतपुर में है, हालांकि अब वो डायरेक्टरेट बन गया है रेपसीड एंड मस्टर्ड का, डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड बन चुका है, मतलब NRC से थोड़ा उसका प्रमोशन होकर बड़ा संस्थान बन गया है सेवर भरतपुर में, उसको DRM कहते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड। रेपसीड एंड मस्टर्ड में भी थोड़ा अंतर है दोनों में, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से सरसों की खेती के बारे में हम देखते हैं कौन कौन से बिंदु हम चर्चा करेंगे और संपूर्ण खेती उसकी के बारे में चर्चा करते हैं। सरसों और जो इंग्लिश में इसको बोला गया है सरसों को, रेपसीड और मस्टर्ड। रेपसीड अलग है, मस्टर्ड अलग है, दोनों मिलते जुलते हैं, एक जैसे हैं परंतु एक नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको रेपसीड और मस्टर्ड में ही अंतर बताना चाहूँगा, इसकी हिंदी और अंग्रेजी में अंतर बताना चाहूँगा ताकि ये कन्फ्यूजन हमारा दूर रहे, कि अगली स्लाइड में है देखो रेपसीड और मस्टर्ड। सबसे पहले तो मैं ले रहा हूँ आपको मस्टर्ड, ये तो है रेपसीड और ये है इंडियन मस्टर्ड। इंडियन मस्टर्ड, ये मस्टर्ड वर्ड जो है, इस मस्टर्ड वर्ड का मतलब कोई सरसों हिंदी में इसको अपन नहीं माने, बल्कि इंडियन मस्टर्ड है ये शब्द। जो रेपसीड और मस्टर्ड की बात कर रहा हूँ तो पहले मैं मस्टर्ड की बात कर रहा हूँ, ये मस्टर्ड इंडियन मस्टर्ड है और इसको राया, राई या लाहा के नाम से जाना जाता है और ये ब्रेसिका जुन्सिया है। एक्चुअल में हमारे राजस्थान में और भारत देश में ही प्रमुख रूप से ब्रेसिका जुन्सिया ही उगाई जाती है और ये राया, राई या लाहा और इंडियन मस्टर्ड के नाम से जानी जाती है। और ब्रेसिका जुन्सिया है, इसके दाने गहरे भूरे रंग के और काले रंग के होते हैं और ये है तो इसका ब्रेसिका जुन्सिया जो बनी है एक्चुअल में ब्रेसिका रेपा और ब्रेसिका नाइग्रा से मिलकर बनी है। ब्रेसिका रेपा और ब्रेसिका नाइग्रा दो अलग अलग जातियां थी सरसों की, उनके संकरण से बनी है ब्रेसिका जुन्सिया। ये तो है इंडियन मस्टर्ड, इसको राई, रहा या लहा कहा गया है। और दूसरा है रेपसीड, क्या नाम है, रेपसीड, इसको हिंदी में तोरिया या सरसों कह सकते हैं, रेपसीड को सरसों कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका नेपस, ब्रेसिका नेपस नाम है इसका। और इसका पुराना नाम, ब्रेसिका नेपस का पुराना नाम ब्रेसिका कंपेस्टिस था। क्या नाम था, ब्रेसिका कंपेस्टिस था। ये भूरे कलर की होती है और या तो भूरे या पीलास लिए हुए इसका कलर होता है इन दानों का, और इसको केनोला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, केनोला, कई स्थानों पर इसको क्या कहा गया है, केनोला भी कहा गया है। और ये जो है आल्सो नोन एज ब्रेसिका रेपा ड्यू टू रेपम, इसको ब्रेसिका रेपा भी कहा गया है क्योंकि ये रेपम या सलजम फैमिली का प्लांट है, इसीलिए कहा गया है ब्रेसिका रेपा भी कहा गया है इसको, ब्रेसिका नेपस को। यह है तोरिया या रेपसीड या सरसों इसको कहा गया है।
तो ये मुख्य अंतर है। हालांकि दोनों सरसों में ही पड़ते हैं, सरसों में ही इसकी पूरी कल्टीवेशन पड़ेंगे, सब विधियां सब समान हैं, लेकिन जो ये काला भूरे रंग की और हल्के भूरे रंग की और पीले रंग की जो सरसों दोनों में अंतर है वो मुख्य रूप से ये है, ब्रैसिका जुन्सिया प्रमुखतया उगाई जाती है हमारे देश में, हमारे राजस्थान में। अब हम इसके कल्टीवेशन, इसके क्षेत्र, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये जो प्लांट रेपसीड कहो या मस्टर्ड कहो, दोनों ही क्रूसीफेरी के सदस्य है। ब्रैसिका जुन्सिया इंडियन मस्टर्ड है और ब्रैसिका नेपस क्या है, रेपसीड है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। गुणसूत्रों की संख्या इसमें 36 होती दोनों में ही। इसका उत्पत्ति स्थल बात ध्यान से समझ लें आप, जो हमारी सरसों का उत्पत्ति स्थल इसको माना गया है भैया चीन या भारत, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक तो इसको चीन मानते हैं और कुछ भारत मानते हैं, इसलिए चीन या भारत कहेंगे इसको। क्वेश्चन कहीं भी पूछा जाए चीन या भारत इसका माना जाएगा। सरसों को जो क्लाइमेट की आवश्यकता होती है उसको, रबी की फसल है, ठंडा जलवायु चाहिए, परंतु नमी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है उसको, शुष्क और ठंडे जलवायु की आवश्यकता होती है। कौन सा जलवायु चाहिए सरसों को, रबी की है, ठंडा तो चाहिए ही चाहिए, रबी की फसल है और इसको शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। इसका वर्ल्ड लेवल पे अगर चर्चा करें, पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल की स्थिति की बात करें, तो उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कनाडा में होती है, उसके बाद चीन में होती है और भारत का तीसरा स्थान है। वर्ल्ड में बात करें नंबर वन कनाडा का है, नंबर दो चीन का है और नंबर तीन पे कौन है, भारत का आता है। अब हमारे इंडिया की बात करें तो राजस्थान सबसे पहले स्थान पर है। राजस्थान में पूरे भारत देश की सरसों का लगभग जो है 45% योगदान है उत्पादन में। कितना परसेंट, 45% सरसों अकेले राजस्थान में होती है। हम तिलहनी फसलों की अगर बात करें, राजस्थान में तो सबसे टॉप पे सरसों है, ठीक है, और भारत देश में हम तिलहनी फसलों की बात करें इंडिया में, तो देखो पहले मूंगफली नंबर एक स्थान पर आती थी, पर आजकल नंबर एक पर मूंगफली नहीं है, नंबर एक पर है जो है सोयाबीन। सोयाबीन ने बहुत प्रोग्रेस की है। भारत में प्रथम स्थान सोयाबीन का, द्वितीय स्थान सरसों का और तृतीय स्थान मूंगफली का आता है। मूंगफली तो तीसरे स्थान पर आती है, सोयाबीन, सरसों और मूंगफली तीसरे स्थान पर आती है। मेरी बात की अभी आपको, पूरे हमारे जो देश का उत्पादन है सरसों का, उसमें राजस्थान का योगदान है जो 45% है। कितना योगदान है, 45% योगदान है, जबकि क्षेत्रफल में 40% योगदान है। हमारे राज्य की उत्पादकता यील्ड पर हेक्टर प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है, इसलिए हम इसमें देखो आप उत्पादन में स्थिति ज़्यादा अच्छी है। राजस्थान में हम जिलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा सरसों अलवर में पाई जाती है। हालांकि ये जिलों की जो स्थिति है इसका लेटेस्ट नवीनतम डेटा में स्टेटिक्स में आपको समय समय पर अपडेट करता रहूँगा, क्योंकि स्टेटिक्स कृषि सांख्यिकी में नए डेटा ये एस्टिमेट अनुमान आते रहते हैं, कई बार जिलों में परिवर्तन भी हो जाता है। इसके बाद हम ये सरसों और आपने बात की थी अभी इंडियन मस्टर्ड की और रैपसीड की, ये दोनों अलग अलग है, इंडियन मस्टर्ड और रैपसीड हैं, इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ मैं। सरसों कुल के पादपों में जो फल पाया जाता है, फल वो फली सिलिकुआ कहलाता है। देखिए मूंगफली का जो फल होता है क्या है, पोड है। चने का जो फल है वो पोड है। मटर का जो फल है वो पोड है। पोड कहते हैं उन फलियों को, क्या कहते हैं, मूंगफली की फली को, चने की फली को और मटर की फली को क्या कहते हैं, पोड कहते हैं। और मटर की फली की संरचना देखिए आप, जबकि सरसों की फली को हम क्या कहते हैं, सिलिकुआ कहते हैं। बिल्कुल अलग प्रकार की संरचना होती है। देख किस प्रकार की संरचना होती है, देखें आप, जब हम फली को खोलते हैं मटर की फली को तो इस प्रकार से मटर के दाने लगे रहते हैं दोनों तरफ, ये खोला तो ऐसे दोनों तरफ इधर और इधर फली के छिलके पर दोनों तरफ दाने लगे रहते हैं, इसको कहते हैं पोड। जबकि सरसों की फली जब खोलते हैं या ये खुलती है जब पकने पर, तो इसकी स्थिति को देखोगे आप, दोनों छिलके अलग हो जाते हैं, दोनों छिलकों पर कोई दाना लगा हुआ नहीं है, इसमें बीच में एक सफ़ेद रंग की पतली परत लगी रहती है, इस पर दाने लगे रहते हैं। इस पतला ये छिलका तो एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, और बीच में पतली परत है,
सेप्टम बोलते हैं इसको, और इस पर बीज दाने लगे हुए हैं। तो इस प्रकार की फल की संरचना को सिलिकुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिकुआ कहते हैं। सरसों की फल क्या कहलाता है? सिलिकुआ फली कहलाती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, सरसों का टेस्ट वेट की बात करें, 1000 बीजों का भार की बात करें, 3 से 4 ग्राम होता है। लेकिन एक किस्म आती है जिसका दाना मोटा आता है, पूसा जय किसान या बायो 902, इसका बोल्ड दाना बोल्ड होता है, कुछ बड़ा होता है, इसलिए इसका टेस्ट वेट जो होता है लगभग दुगना हो गया, 5.8 ग्राम होता है। ठीक है, 3 से 4 ग्राम टेस्ट वेट होता है सामान्य सरसों के दानों का, 1000 बीजों का भार 3 से 4 ग्राम होता है। लेकिन बायो 902 या पूसा जय किसान जिसका नाम है, वो उसका जो टेस्ट वेट है 5.8 ग्राम है। सरसों के बीजों में 35 से 42% तक तेल पाया जाता है, 42% तक तेल पाया जाता है, और सरसों की जो तेल निकालने के बाद खली बचती है, उस खली में 35% प्रोटीन पाई जाती है। सरसों के तेल में थोड़ी सी कई जो है, हालांकि कई मेडिसिनल यूज भी है सरसों के, अभी इस अवधि कोरोना काल में आप देखें तो सरसों के तेल का इतना यूज बढ़ा है, इतना कंजम्पशन बढ़ा है कि सरसों के तेल के भाव आसमान छू रहे हैं, और बहुत ज़्यादा भाव बढ़ गए हैं अभी इसके। तो सरसों के तेल में कुछ जो तेज गंध होती है, तीव्र गंध होती है, वो सिनी ग्रीन के कारण होती है। काहे कारण होती है? सिनी ग्रीन के कारण होती है, और सिनी ग्रीन नामक ग्लूकोसाइनोलेट एल्केलोइड के कारण होती है, जो एक एलील आइसोथायोसाइनेट बनाता है। ये सब चीजें जुड़ी हुई है। देखो आप, सिनीग्रीन है, सिनीग्रीन क्या है? ग्लूकोसाइनोलेट एल्केलोइड है, और इसके कारण क्या बनता है? एलील आइसोथायोसाइनेट बनता है, समझ गए आप? और इस एलील आइसोथायोसाइनेट की अगर 0.5% मात्रा, तेल में 0.5% से मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो इसका प्रभाव विषैला होता है, ध्यान रखें आप। तो इसकी मात्रा इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किस किस की बात करी हमने? सिनीग्रीन क्या है? एक एल्केलोइड है, और इससे क्या बनता है? एलील आइसोथायोसाइनेट बनता है, और इसका विषैला प्रभाव होता है, है ना? अब कितना विषैला होता है कि जो है इसकी मात्रा 0.5% से ज्यादा तेल में नहीं होनी चाहिए। अगर 0.5% से ज्यादा इसकी मात्रा होगी तो ये विषैला प्रभाव डालेगा। इसी प्रकार सरसों के तेल में एक एरुसिक अम्ल भी पाया जाता है, वशीय अम्ल है ये, एरुसिक अम्ल नामक वशीय अम्ल है। तेलों में वशीय अम्ल पाए जाते हैं, हमने बात की थी। तेल काहे से मिलकर बनते हैं? ग्लिसरोल और वशीय अम्लों से मिलकर बनते होते हैं। संतृप्त वशीय अम्ल, असंतृप्त वशीय अम्ल, असंतृप्त लाभदायक होते हैं, संतृप्त कुछ शरीर में जमने वाले होते हैं जो नुकसान करते हैं। वशीय अम्लों की बात हम कई तेलों में करते हुए आए हैं, और जब सरसों पे आके पहुंचे हम तो यहाँ पर एक नया प्रकार का ही वशीय अम्ल मिला, और उसका नाम है एरुसिक अम्ल। ये जो वशीय अम्ल है, इसकी मात्रा सरसों में 2% से, सरसों के तेल में 2% से अधिक हो जाने पर हानिकारक हो जाती है, 2% से अधिक हो जाने पर हानिकारक हो जाती है। और मानव शरीर में इसकी 0.5 ग्राम मात्रा सहनीय स्तर है, इससे ज्यादा मात्रा जहर का काम करती है। मानव शरीर में 0.5 ग्राम एरुसिक अम्ल, तब तो ठीक है, और 0.5 ग्राम से ज्यादा एरुसिक अम्ल शरीर में चल जाए तो वो जहर विषैला काम करता है। ठीक है, तो ये जो एरुसिक अम्ल की मात्रा 2% तक पाई जाती है, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? कुछ ऐसी किस्मों का विकास किया जिसमें एरुसिक अम्ल की मात्रा जो 2% से कम हो, और ऐसी किस्मों को वैज्ञानिकों ने क्या कहा? 00 किस्में कहा। क्या कहा? 00 वैरायटी कहा। सरसों की ऐसी किस्में जिनमें एरुसिक एसिड की मात्रा 2% से कम पाई जाती है, उन किस्मों को क्या नाम दिया गया भैया? 00 वैरायटी, 00 किस्में नाम दिया गया सरसों में। एरुसिक अम्ल का संबंध है ये, जो सरसों से संबंध है। सरसों से ही संबंधित हम बात कर रहे थे, भी सेवर भरतपुर
राजस्थान में एक बहुत बड़ा संस्थान है, नेशनल रिसर्च सेंटर एनआरसी। क्या है? नेशनल रिसर्च सेंटर। ये एनआरसी होते हैं, तीनों नाम से मिलकर एनआरसी बनते हैं। क्या बनते हैं? एनआरसी। काहे के लिए? फॉर रेपसीड एंड मस्टर्ड। रेपसीड एंड मस्टर्ड। ये कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था? 20 अक्टूबर 1993 को सेवर भरतपुर में इसकी स्थापना हुई थी, रेपसीड एंड मस्टर्ड के एनआरसी की। अब इसमें जो है काफ़ी कार्य बढ़ा, तो धीरे धीरे अब इसका 2009 में इस एनआरसी को क्या बना दिया गया? डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड। डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड, इसका प्रमोशन अपग्रेडेशन कर दिया। क्या कर दिया? अपग्रेडेशन कर दिया, प्रमोशन कर दिया, और ये क्या बन गया? अब बन गया डीआरएम, डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड। तो सरसों में हम आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं। देखो इसकी खेती के बारे में चर्चा करेंगे हम, और चूंकि सरसों बारानी भी की जाती है और सिंचित भी की जाती है, हालांकि बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती सरसों को, एक या दो पानी की आवश्यकता होती है, पर बारानी खेती अगर करते हैं हम सरसों की तो कुछ जल्दी बुआई करनी पड़ेगी। हमारी जो खरीफ की मौसम का जो पानी संग्रहित है उसी को हमको काम में लेना है, उसी से खेती करनी है, तो जल्दी बुआई करनी पड़ेगी। तो अगर बारानी फसल हम ले रहे हैं तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक बुआई कर देनी चाहिए, और अगर सिंचाई की व्यवस्था है, सिंचाई करके पाणत करके हम खेत बुआई करना चाहते हैं तो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक भी उसकी बुआई की जा सकती है, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक भी। लेकिन सरसों में ये ध्यान रखें, इससे ज़्यादा अगर देरी में बुआई करते हैं हम तो सरसों में एफिड आता है, तो बहुत ज़्यादा एफिड, रस चूसने वाला कीड़ा है एफिड, वो जिसको माहू भी कहते हैं, एक तो वो और एक सफ़ेद रोड़ी, दोनों ही का संक्रमण ज़्यादा हो जाता है अगर बुआई में देरी करते हैं तो। इसलिए समय पर बुआई की जानी आवश्यक है। सरसों की जो बुआई करते हैं उसमें जो है 5 सेंटीमीटर की तो गहराई पर बोते हैं, और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। बीज दर की बात अपन करें तो अगर शुष्क क्षेत्र या बारानी अवस्था में हम बो रहे हैं तो 4 से 5 किलो बीज दर की आवश्यकता होती है, क्योंकि भी अंकुरण कम होता है ना, इसलिए इसकी बीज दर बढ़ा देते हैं, और सिंचित क्षेत्रों में मात्र 2.5 किलो बीज की आवश्यकता होती है। हम उपज की बात करें हम, तो हमने बात की थी सरसों और रेपसीड और मस्टर्ड दोनों अलग अलग है, तो रेपसीड की उपज तो मिलती है 14 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर, जबकि इंडियन मस्टर्ड ब्रेसिका जुंसिया जो हमारे यहाँ ज़्यादा उगाई जाती है उसकी उपज मिलती है 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर, लगभग डेढ़ी से दुगनी है देखो आप रेपसीड से इंडियन मस्टर्ड की उपज। हम बात करेंगे उर्वरकों की, तो हम अगर सिंचित अवस्था में सरसों की खेती कर रहे हैं हम तो अब पता है हमको, असिंचित में करते हैं तो हम उर्वरकों की मात्रा आधी कर देते हैं, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं 60 किलो नाइट्रोजन 30 से 40 किलो फास्फोरस की मात्रा डाली जाती है, साथ ही साथ तिलहनी फसल है, तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए, गंधक की आपूर्ति करने के लिए जिप्सम का प्रयोग घी का काम करता है, तो सरसों की फसल में 250 किलोग्राम जिप्सम का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए, या फिर 40 किलोग्राम गंधक भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जिप्सम का प्रयोग बुआई के 1 माह पूर्व खेत में प्रयोग किया जाता है। अब असिंचित में अगर हम खेती कर रहे हैं तो हम उर्वरकों की मात्रा आधी कर देते हैं, 30 किलो नाइट्रोजन और 15 से 20 किलोग्राम फास्फोरस की ही दी जाती है। सरसों में एक समस्या होती है भैया, बहुत बड़ी पाला। सरसों जो है पाले के प्रति संवेदनशील फसल है, पाले से बहुत नुकसान होता है सरसों में। एक्चुअली में सरसों में जो है पाले से नुकसान क्या होता है कि जब सरसों पाला पड़ता है तो इसकी फली उस टाइम बन रही होती है, फली में दाने बन रहे होते हैं, उस समय पाला पड़ता है तो क्या होता है कि बताया था आपको मैंने चिलिंग इंजरी, क्या बताई थी मैंने आपको? चिलिंग इंजरी के बारे में बताया था, चिलिंग इंजरी। ये क्या होता है देखिए, बताया था आपको मैंने, जब पानी से बर्फ बनता है तो बर्फ का आयतन बढ़ता है, वही क्रिया जब फली में दाने बन रहे होते हैं तो उसमें जो
जल की मात्रा होती है वो बर्फ़ के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो उसके दाने, नए दाने बन रहे होते हैं, फली में नए नए दाने बन रहे होते हैं, वो फट जाते हैं और पूरी फली खत्म हो जाती है। उसके बाद कोई दाने का निर्माण नहीं होगा, पूरा पेड़ सूख जाता है। पत्तों में भी यही होता है, पत्तों में कोशिकाएं फट जाती है, पूरा पौधा एक तरह से जलने का जैसा हो जाता है और पूरी फसल खत्म हो जाती है। तो चिलिंग इंजरी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कोशिकाओं के फट जाने को क्या बोलते हैं? बर्फ जमने के कारण कोशिकाओं के फट जाने को चिलिंग इंजरी कहते हैं। और ये चिलिंग इंजरी सरसों में भी होती है और पाले के प्रति बहुत संवेदनशील फसल है सरसों। इसके बचाव के लिए क्या करेंगे हम? हमको अगर एहसास हो जाता है कि आज पाला पड़ेगा तो हमको क्या करना होगा? 0.1% सल्फ्यूरिक अम्ल का छिड़काव करना पड़ेगा। 0.1% घोल का सल्फ्यूरिक अम्ल का छिड़काव करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? ये अब हमें पता पड़ जाए कि आज पाला पड़ेगा। और पाले का पता कैसे पड़ता है मैं आपको बता दूं। जनवरी के महीने में जब ठंड पड़ रही होती है तो दिन का मौसम जब बिल्कुल खुला हुआ हो, आसमान साफ हो, कोई बादल नहीं हो, हवा का रुक जाना, हवाएं बिल्कुल रुक जाती है, तो ये मान लीजिए आज रात में पाला पड़ सकता है। उस अवस्था में आपको क्या करना पड़ेगा? 0.1% H2SO4 का छिड़काव करना पड़ेगा। या सिंचाई के साधन है तो सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई करने से भी फसलों को पाले से बचाया जा सकता है। या फिर उत्तर पश्चिम कोने पर हमको धुआं करनी चाहिए। उस धुआं से पूरे खेत में थोड़ा सा तापमान इंक्रीज हो जाता है और फसलों को पाले से बचाया जा सकता है। ये फसलों को पाले से बचाने के उपाय है, सरसों को पाले से बचाने के उपाय है। अब हम सरसों की किस्मों की बात करेंगे और राजस्थान में या फिर पूरी किस्में जो होती है, कौन कौन सी किस्में, देखो पूसा कल्याणी, लोटनी सरसों, T59, वरुणा, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है। क्योंकि जो पूसा जे किसान है, बायो 902 जो वैरायटी है वो इसी वैरायटी से बनाई गई है, T59 वरुणा से। RS30 है जो कि असिंचित क्षेत्रों में के लिए भी उपयुक्त है। दुर्गा मणि है, पूसा बोल्ड है, बायो 902 जय किसान नाम है इसका, अभी चर्चा की थी हमने। माया है, वसुंधरा है, स्वर्ण ज्योति है, ये इंपॉर्टेंट किस्में हैं। इसके बाद पूसा जय किसान या बायो 902 जो किस्म है इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट किस्म है, बोल्ड दाना होता है, मोटा दाना होता है, इसका टेस्ट वेट भी सामान्य सरसों के दानों से ज्यादा होता है। पूसा जय किसान वैरायटी है जो वीएल चोपड़ा द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा विकसित की गई है? वीएल चोपड़ा द्वारा विकसित की गई है। यह टिश्यू कल्चर तकनीक से विकसित की गई है। टिश्यू कल्चर तकनीक से सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन द्वारा इसमें क्या किया था? दरअसल सामान्य दो कोशिकाओं में आपस में कोशिका द्रव्य का संलयन करवाया था, फ्यूजन करवाया था, और उससे इस जाति का विकास हुआ है। और इस टिश्यू कल्चर में कौन सी किस्म काम में ली थी? T59 वरुणा को काम में लिया गया था। वरुणा की शाखा से टिश्यू कल्चर लेकर और टिश्यू कल्चर उगाया गया था और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन किया कराया गया था और उसी से क्या विकास हुआ? बायो 902। उपज अधिक है इसकी, 40 से 41% तेल की मात्रा भी ज्यादा है, 40 से 41%। इसके बाद आती है किस्म एक RH30 जो कि सिंचित और असिंचित दोनों परिस्थितियों के लिए, साथ ही साथ मिश्रित खेती के लिए, सरसों की मिश्रित खेती भी खूब प्रचलित है। सरसों की मिश्रित खेती चने के साथ करते हैं, अलसी के साथ करते हैं, जो के साथ करते हैं, है? सिंचित और असिंचित परिस्थितियों में मिश्रित खेती के लिए उपयुक्त है और देरी से बुआई के लिए भी बढ़िया है। RS30 देरी से बुआई करने के लिए RS30 किस्म का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान के लिए कुछ खास किस्में हैं, माया है, वसुंधरा है, अरावली है, लक्ष्मी है और बायो 902 किस्में हैं जो राजस्थान के लिए खास किस्में हैं। सरसों का एक बहुत इंपॉर्टेंट खरपतवार है भैया सत्यानाशी, कटेड़ी कहते हैं। इसका फूल देख लीजिए आप, पीले रंग का फूल होता है और इस प्रकार के कांटे वाले पत्ते होते हैं, कटेड़ी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कटेड़ी। यह सरसों के खेत में भी उगती है और अपने आप बाहर भी उग जाती है, खाली खाली खेत में भी उग जाती है और सरसों के साथ भी उगती है।
ऐसी ऐसे खरपतवार जो फसल के साथ भी उगते हैं और बाहर अकेले खाली फील्ड में खाली जमीन पर भी उगते हैं, ऐसे खरपतवारों को वैकल्पिक खरपतवार कहते हैं, फैकल्टेटिव खरपतवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैकल्पिक खरपतवार या फैकल्टेटिव खरपतवार कहा जाता है, क्योंकि ये फसलों के साथ भी उगते हैं, सरसों के साथ भी उगता है और फसलों के बाहर अकेले खाली फील्ड में खाली जमीन पर भी उगता है। सत्यानाशी कटेली, इसका नाम प्रिकली पोपी भी है, प्रिकली पोपी भी कहते हैं इसको, सत्यानाशी कहते हैं, कटेली कहते हैं, और इसका बोटनिकल नाम जो है आर्जिमोन मैक्सिकाना है, आर्जिमोन मैक्सिकाना है। इसके जो बीज होते हैं, फूल तो पीले रंग का होता ही है, इसके जो बीज होते हैं सरसों के जैसे होते हैं, और ये क्या होता है, सरसों में अगर इसके बीज मिल जाए तो पता ही नहीं पड़ता कि सरसों के हैं या उसके हैं। हालांकि इसके बीज, कटेली के बीज हल्के होते हैं, बहुत लाइट वेट होता है उनका, और अगर ये सरसों के बीज के साथ इसके बीज मिल जाते हैं और तेल निकल जाता है और तेल मनुष्य के द्वारा खा लिया जाता है, तो मनुष्य में इन बीजों के कारण एक रोग हो जाता है भैया, ड्रोप्सी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? ड्रोप्सी नामक रोग हो जाता है। अब कटेली का जो नियंत्रण करेंगे वो करेंगे बासालीन के द्वारा किया जाता है, बासालीन जिसका फ्लूक्लोरेलिन नाम है। क्या नाम है इस खरपतवार नाशी का? बासालीन कहें चाहे फ्लूक्लोरेलिन कहें, फ्लूक्लोरेलिन कहें। और इस बासालीन का या फ्लूक्लोरेलिन का प्रयोग कब किया जाता है? प्री सोइंग, बुआई से पहले, बुआई से पहले खाली खेत में इसका प्रयोग किया जाता है बासालीन का, ठीक है। तो इसका प्रयोग करके इन खरपतवारों से निजात पाई जा सकती है। जो कटेली या सत्यानाश है, मैंने बताया था आपको, वैकल्पिक खरपतवार है, क्योंकि ये फसलों के साथ भी उगता है और खाली खाली जमीनों पर अकेला भी उगता है। ये निरपेक्ष खरपतवार है, एब्सोल्यूट खरपतवार है, ये वाकई खरपतवार है जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है, ऐसे खरपतवारों को निरपेक्ष खरपतवार कहते हैं। इसके बाद इस सरसों की फसल में लगने वाले थोड़े से रोगों के बारे में चर्चा करते हैं, और सबसे प्रमुख रोग सरसों का जो है वो सफ़ेद रोड़ी रोग है। कौन सा रोग है? सफ़ेद रोड़ी 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 तो हमने कई पड़ी है, गेहूं में रोड़ियां पड़ी है हमने कई सारी, परंतु सब जो सरसों की रोड़ी है वो सब रोड़ियों से अलग प्रकार की रोड़ी है। इसका कोजल ऑर्गेनिज्म, इसका जो फंगस है इसको फैलाने वाला है, वो भी अलग प्रवृत्ति का है, एल्बुगो कैंडिडा नाम है उसका। और इसके लक्षण किस प्रकार के आते हैं देखिए आप, सफ़ेद रोड़ी के लक्षण इस प्रकार के आते हैं, पत्तियों पर ये रोड़ी, वही रोड़ी हो गई, पाउडर हो गया सफ़ेद रंग का, और ये पाउडर ऐसे नहीं आया, ये क्या होता है, पहले फफोले बनते हैं इस पत्तियों पर, क्या बनते हैं, फफोले बनते हैं, और फफोले बनने के बाद ये फूट जाते हैं और ये सफ़ेद सफ़ेद पाउडर निकल जाता है। ये फफोले जो बन जाते हैं, ये फफोले बनते, पहले फफोले बनकर ये बाद में फूट जाते हैं और फिर पत्ती पर सफ़ेद पाउडर फैल जाता है, इसको बोलते हैं वाइट रस्ट, सफ़ेद रोड़ी। इसका इस लक्षण के अलावा एक लक्षण और आता है कि जब फूल बनते हैं, फूल बनने के बाद फलियां नहीं बनती और अजीब अजीब सी आकृतियां बन जाती, देखो इस प्रकार की, क्या टेढ़े मेढ़े से क्या बन गए, इस प्रकार की लक्षण होते हैं, जो फली नहीं बनेगी दाने कहाँ से बनेंगे। तो इस प्रकार के लक्षण होते हैं इसके सफ़ेद रोड़ी रोग के। इसका रोगजनक फफूंद है एल्बुगो कैंडिडा है, और इस यह रोग मृदोड़ भी है और बीजोड़ भी है, मृदा से भी फैलता है और बीजों से भी फैलता है। मृदा से तो इसलिए फैलता है कि फसल अवशेष जब मिट्टी में गिर जाते हैं तो मिट्टी में उसका रोगजनक पड़ा रहता है, और बीजोड़ इसलिए है क्योंकि इसकी फड़ी में भी संक्रमण हो गया, जो थोड़े बहुत बीज बनेंगे उनमें यह संक्रमण हाजिर होगा। तो मृदोड़ भी है और बीजोड़ भी है। इसके प्रमुख लक्षण की बात कर ली हमने, सफ़ेद फफोले हो जाते हैं और एट्रोफी हो जाती है, इनको एट्रोफी बोलते हैं भैया, जो ये इस प्रकार की आकृतियां बन जाती है, कुकृति कहें कहें, अजीब आकृतियां बन जाती है, इनको क्या बोलते हैं, एट्रोफी बोलते हैं। अब इसमें थोड़ी सी एक बिंदु याद आया मेरे को, एट्रोफी क्या बताया मैंने आपको, एट्रोफी, यहीं पर एक वर्ड और आता है हाइपरट्रोफी, एक और आता है हाइपो
ट्रॉफी मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूं, हाइपो हाइपर इन शब्दों को अगर कहीं लगा दें तो उसका मीनिंग अलग प्रकार का हो जाता है, और मैंने हाइपो और हाइपर का मीनिंग भी बताया था। हाइपो का मतलब कम होता है, कम या नीचे होता है, जबकि हाइपर का अधिक या ऊपर होता है, हैं बताया था। तो ये देखिए आप, हाइपोट्रोफी पौधे में, पौधे की जो सामान्य वृद्धि होती है उससे पौधा छोटा रह जाना, अधोवृद्धि, वृद्धि कम हो जाना, वृद्धि कम हो जाना हाइपोट्रोफी कहलाता है। और हाइपरट्रोफी जो पौधे के सामान्य वृद्धि से पौधा ज्यादा बड़ा हो जाना, अजीब आकृति हो जाना, पत्ते का आकार इतना होता है और लंबी पत्ती का आकार हो जाना, फूल का आकार सामान्य होता है और बड़ा फूल बन जाना, कुआकृति बोलते हैं। जैसे कोई कान है मेरा, अब कान सामान्य कान तो ये होता है, और कान लटक कर कोई इतना बड़ा कान हो जाए तो क्या कहेंगे उसको, तो वो तो आप असामान्यता हो गई ना, तो ऐसी अवस्था को हाइपरट्रोफी कहते हैं। और कान अगर सामान्य से भी छोटा रह जाए तो हाइपोट्रोफी हो जाएगा, अधोवृद्धि और अतिवृद्धि है, और ये क्या है, एट्रोफी, ये होती है मतलब जो वृद्धि असामान्य वृद्धि, असामान्य वृद्धि हो जाना। तो इस प्रकार से ये वर्ड्स का काम में लेकर प्रयोग किया था। तो यहां पर जो सरसों में हमने काम में लिया वो क्या काम में लिया, एट्रोफी काम में लिया है। तो अब इसका क्या करें साहब, इलाज क्या करें, इलाज के लिए क्या करेंगे। एक तो ये भैया मृदोड़ रोग है, तो सबसे बढ़िया बात तो ये कि फसल चक्र अपनाए, एक साल अगर अगले साल इस फसल को नहीं लेंगे तो बढ़िया है, फिर अगले साल ले लेना, एक साल ग्रो ड्रॉप कर दो, दूसरी फसल ले लो, चना ले लो, गेहूं ले लो, जो ले लो, परंतु सरसों मत, तो एक साल है, तो ये कर सकते हो। या फिर क्या करोगे आप, ट्राइकोडर्मा से बीजोपचार करो, क्योंकि जड़ से होने वाला रोग है, बीजों से भी हो रहा है, तो दोनों का इलाज करेगा ट्राइकोडर्मा। मित्र फफूंद बताया था आपको, 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करके बोएंगे तो वो जो है इसकी बीजों की और जड़ की दोनों की रक्षा करके इस रोग से बचा सकता है। इसके अलावा एक दवा और है, एप्रोन SD-35, जिसका 5 से 6 ग्राम प्रति किलो की दर से बीजों को उपचारित कर लिया जाता है। इस प्रकार से इन रोगों से बचा जा सकता है, इस रोग से, सफेद रोड़ी रोग से। उससे मिलता जुलता ही एक रोग और है, डाउनी मिल्ड्यू। मैंने डाउनी मिल्ड्यू और भी जगह पढ़ाई आपको, और भी फसलों में डाउनी मिल्ड्यू होती है, वही डाउनी मिल्ड्यू है। डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है, जो पत्तियां होती है, पत्तियों की निचली सतह पर, ये तो ऊपर की सतह है, निचली सतह पर छोटे छोटे रोम उग जाते हैं, और रोम उग जाते हैं और ऊपर की सतह इस प्रकार की पीली पड़ जाती है और पत्तियां खराब हो जाती है, जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है और पौधों की उचित वृद्धि नहीं हो पाती है। तो अब इसके लिए क्या करें साहब, ये फैलाता कौन है डाउनी मिल्ड्यू, पेरोनोस्पोरा ब्रेसिकी नामक फफूंद फैलाती है। कौन सी फफूंद फैलाने वाली, पेरोनोस्पोरा ब्रेसिकी। इसके लिए उपचार क्या करेंगे, 0.2% रिडोमिल या मेटालेक्सिल या मैंकोजेब का छिड़काव करेंगे। मैंकोजेब को डायथेन M45 भी कहते हैं, डायथेन M45 भी कहते हैं, कई बार बता चुका हूं है? तो इस प्रकार से छिड़काव करके इस रोग से बचा जा सकता है, डाउनी मिल्ड्यू से। अब बात करेंगे भैया कीड़े, कीड़े भी बहुत लगते हैं सरसों में, और सबसे प्रमुख कीड़ा तो एफिड है, चेपा है, मोइला है, कई नाम है इसके, ध्यान रख लो आप, कोई भी नाम पूछते परीक्षा में कंफ्यूज नहीं होने का, मोइला कह दो, चेपा कह दो, माहू कह दो, एफिड कह दो, और साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम क्या है, लाइपेफिस एरिसाइमी। क्या नाम है, लाइपेफिस एरिसाइमी। और इस रोग, इस कीड़े का संक्रमण ज्यादा कब होता है, जब सर्दियों के दिनों में बादल छा जाएं और तापमान बढ़ जाए और वर्षा होने की संभावना के कारण नमी बढ़ जाए, नमी और तापमान जब बढ़ जाता है उस समय यह कीड़ा ज्यादा संक्रमण करता है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है, ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यह बहुत सूक्ष्म रस चूसने वाला कीड़ा है। देखो स्थिति यह है, ऐसे झुंड के झुंड लगा रहता है,
शाखाओं पे देखो आप, ऐसे लग रहा है पता नहीं कोई पौधा इसी प्रकार का है क्या। इतने लाखों कीड़े चिपके हुए हैं शाखाओं पर, और इनकी और छोटा माइक्रोस्कोप से देखोगे आप तो इस प्रकार से देखो हजारों लाखों कीड़े रस चूसते रहते हैं पत्तियों के नीचे की सतह पर, कोमल भागों में चिपके रहते हैं और ये रस चूसते रहते हैं। तो रस चूसक कीड़े हैं और इनका नियंत्रण जब करेंगे हम तो रस चूसक कीड़ों के लिए क्या करेंगे, ऐसे ऐसे कीटनाशियों को काम मिलेंगे जो कि देहिक होंगे, सिस्टेमिक होंगे, जो उसके पौधे के शरीर में विस्तृत हो जाएंगे और जब कीड़ा रस चूसे तो मर जाए। तो उसके लिए मिथाइल डेमेटोन और डाइमेथोएट जो दो है और मेलाथियान भी, तीनों के तीनों दवाइयों का कोई भी तीनों में से कोई भी दवाई का छिड़काव करके इसका नियंत्रण करेंगे। काहे का एफिड का, ये पता क्या होता है जब फसल काटते हैं ना, फसल कटाई होती है मार्च में, तब आपने देखा होगा हमारे वाहन चलते हैं उन पर काले काले आंखों में आते हैं, सरसी चिपकते हैं, वो यही एफिड है, वो एडल्ट उड़ता रहता उस टाइम उसका है, तो वही इस अवस्था है। ये इसके निम्फ और एडल्ट है, ये जो कीड़े ना छोटे छोटे, ये निम्फ और एडल्ट है एफिड के। अब एफिड की हम चर्चा कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट कीड़ा है, इसकी दवाई काम में ले ली हमने, और दवाइयों के बाद कुछ मित्र कीटों की चर्चा करेंगे जो एफिड का नियंत्रण करते हैं। कुछ ऐसे कीट है, मित्र कीट है, जो जिनकी संख्या अगर हम खेतों में बढ़ा दें तो वो कीड़े इन एफिड को खा जाते हैं, चट कर जाते हैं, और उसमें एक इंपॉर्टेंट कीड़ा है भैया, लेडी बर्ड बीटल। क्या नाम है इस प्रकार की जो ये कीड़ा है, ये एडल्ट है, बीटल है, लेडी बर्ड बीटल है, इस प्रकार की संरचना होती है, देखिए आप, ये ऐसे चुग चुग कर एफिड को चुग चुग कर खाता रहता है, खेत में घूम घूम कर पत्तियों पर शाखाओं पर चलता रहता है और एफिड को चुग चुग कर खाता रहता है। क्या नाम है इसका, लेडी बर्ड बीटल, कोक्सिनेला सेम्पटेंटेटा। तो इस प्रकार के कीड़ों की संख्या खेत में बढ़ानी चाहिए है? और इस प्रकार से भी उसको नियंत्रित किया जा सकता है, काय को एफिड को। एक कीड़ा और है मित्र कीट, उसको बोलते हैं क्राइसोपरला कोर्निया, ग्रीन लेसविंग कहते हैं इसको, ये ग्रीन लेसविंग ये है, देखो ग्रीन रंग के पंख है इसके, इस प्रकार का ये एडल्ट है एक्चुअल में, ये तो नहीं खाता है, इसका लार्वा स्टेज है, ये खाता है, देखो ये खा रहा, इनको खाता है एफिड को, ऐसे घूम घूम कर चुग चुग कर एफिड को खा जाता है ये लार्वा। किसका लार्वा, ग्रीन लेसविंग का लार्वा, क्राइसोपरला कोर्निया का लार्वा। लार्वा इज बेनिफिशियल, लाभदायक है ये, मित्र कीट है क्राइसोपरला कोर्निया, ग्रीन लेसविंग कहते हैं इसको, ये इस प्रकार से भी हम एफिड का नियंत्रण कर सकते हैं, मित्र कीटों का प्रयोग करके भी इन मित्र कीटों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। तो हमने यहां पर दो मित्र कीटों की बात करी और एक मित्र फफूंद की भी बात करी, ट्राइकोडर्मा की भी बात करी है, ट्राइकोडर्मा मित्र फफूंद है। इस प्रकार से हम यहां पर यह सरसों की फसल हमारी कंप्लीट होती है। अब अगली सरसों से ही मिलती जुलती फसल है तारामीरा, उसकी भी अपन इस क्लास के बाद चर्चा करेंगे।